बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हुकूमत पंजाब ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों को बिल्कुल मुफ्त सोलर पैनल देने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, हुकूमत पंजाब ने इस प्रोग्राम के लिए 12 अरब 60 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस कर रखी है। दोस्तों, सुबह पंजाब के 50,000 लोगों को हुकूमत पंजाब मुफ्त सोलर पैनल देने जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा, अगर आप गवर्नमेंट से मुफ्त सोलर पैनल लेना चाहते हैं तो इसके लिए अहलियत का मियार क्या है, कौन कौन से लोग मुफ्त सोलर पैनल ले सकते हैं, आपने इसके लिए दरख्वास्त कैसे जमा करवानी है, तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर लें, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, हुकूमत पंजाब 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों को बिल्कुल मुफ्त सोलर पैनल फ्राहम करने जा रही है। दोस्तों, ये कैसे पता चलेगा कि आपका बिल 200 यूनिट तक आ रहा है या इससे कम आ रहा है? दोस्तों, जब आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाएंगे, तो आपसे कहा जाएगा कि आप अपने बिजली के बिल का जो रेफरेंस नंबर है वो फराहम करें। तो जब आप अपने बिल का, बिजली के बिल का रेफरेंस नंबर फराहम करेंगे तो उसको चेक किया जाएगा, पिछले 3 से 4 महीने का आपका जो डाटा है उसको चेक किया जाएगा कि पिछले 4 महीने के अंदर आपने कितने यूनिट खर्च किए हैं। तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा अगर आप वाकई में 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत बिल्कुल मुफ्त सोलर पैनल फराहम किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर आप सोलर पैनल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गवर्नमेंट सोलर पैनल स्कीम के लिए 12 अरब 60 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस कर रखी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कहा है होम बेस्ड सोलर सिस्टम जो है आपको फ्राहम किए जाएंगे, यानी अगर आप अपने घर में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है सोलर पैनल फ्राहम करने जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऐलान किया है 50,000 लोगों को हम बिल्कुल मुफ्त सोलर पैनल फराहम करेंगे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं ये जो सोलर पैनल आपको दिए जा रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। दोस्तों, इसमें 2 से 3 चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1 पे सोलर सिस्टम की जो प्लेटें हैं वो आपको दी जाएंगी, इसके साथ साथ जो सोलर प्लेटों के साथ इन्वर्टर लगता है वो भी आपको दिया जाएगा, इसके साथ साथ बैटरी भी आपको दी जाएगी, इसके अलावा जो दीगर सिस्टम में आलात लगते हैं वो भी आपको फराहम किए जाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये भी कहा है कि आपको अच्छी कंपनीज़ के जो सोलर पैनल है वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, 5 किलोवाट का लगाना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, छोटा सिस्टम भी आप लगवा सकेंगे और बड़ा सोलर सिस्टम भी आप लगवा सकेंगे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सोलर सिस्टम स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कब से हो जाएगा और आपने अप्लाई कैसे करना होगा? दोस्तों, हुकूमत पंजाब ने बैंक ऑफ पंजाब के साथ एक मुआहदा कर लिया है। इस मुआहदे के तहत बैंक ऑफ पंजाब जो है दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ आने वाले कुछ ही दिनों में कर देगा। ठीक है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, अगर अप्लाई करने वालों की तादाद 50,000 से ज़्यादा हो जाती है तो फिर इसमें कुर्राअंदाज़ी होगी। ठीक है, तो जैसे ही कुर्राअंदाज़ी होगी, अगर आपको कुर्राअंदाज़ी में नाम आ जाता है तो फिर आपको गवर्नमेंट की सोलर सिस्टम स्कीम के तहत बिल्कुल मुफ्त सोलर पैनल फराहम किए जाएंगे। ठीक है, तो आपने इंतज़ार करना है, आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर गवर्नमेंट की सोलर पैनल स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।